इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन में एक बार फिर ट्रॉफी जीतने की अपनी अधूरी चाहत लेकर मैदान में उतरी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को खाली हाथ ही लौटना पड़ा। विराट कोहली की कप्तानी में खेल रही आरसीबी को एलिमिनेटर में कोलकाता नाइट राइडर्स के हाथों हारकर टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा। ये मैच कोहली का बतौर कप्तान आईपीएल में आखिरी मैच साबित हुआ और वो अपनी टीम को एक बार फिर ट्रॉफी नहीं जिता पाए। बतौर कप्तान टीम के खिलाड़ियों को संयम में रखना कप्तान का काम होता है, लेकिन इस मैच में कोहली खुद अपना आपा खो बैठे। राहुल त्रिपाठी के खिलाफ हुई अपील को नकारने के बाद कोहली फील्ड अंपायर वीरेंद्र शर्मा पर बुरी तरह से चिल्लाते नजर आए। कोहली ने आउट ना दिए जाने पर बात तो की ही, साथ ही गुस्सा भी दिखाया। उन्होंने गेंद को उठाकर पिच पर बुरी तरह से फेंका, जो किसी भी तरह से खेल भावना और अनुशासन के लिहाज से ठीक नहीं लगता। कोलकाता की पारी के दौरान 7वें ओवर की आखिरी गेंद पर युजवेंद्र चहल ने राहुल त्रिपाठी के खिलाफ LBW की जोरदार अपील की। विकेटकीपर भरत और कप्तान कोहली समेत सभी खिलाड़ी इस अपील में शामिल थे। अंपायर शर्मा ने इस अपील को नकार दिया। कोहली ने विकेटकीपर और गेंदबाज से बात करने के बाद रिव्यू लेने का इशारा किया। टीवी अंपायर ने त्रिपाठी को आउट दिया, लेकिन इस बीच कोहली अंपायर से बुरी तरह से उलझते हुए नजर आए।